हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डायटिशियन नीता दीवान और आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि हमारे इस रीजन में पाया जाता है। इससे एक हार्मोन निकलता है, थायराइड हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के एक एक सेल को चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर आपका सडन वेट गेन होता है, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है और पीरियड प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, कोल्ड फील करते हैं आप, तो ये सब चीज़ों के जब सिम्टम्स होते हैं कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो जब हमारा ये थायराइड हार्मोन कम होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म 10-20% कम हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म कम होता है, बीएमआर कम होता है, हम कम कैलोरीज यूज करती है हमारी बॉडी, बाकी कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट कर देती है। और ये हार्मोन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, तो जब ये कम होता है हमें ठंड लगती है, वी फील कोल्ड। The foods which are to be avoided. अब कुछ ऐसे foods हैं जिनको हम goitrogenics कहते हैं, यानी वो हमारे जो ये thyroid gland है उसकी activity को कम करते हैं। तो ये जो कम करते हैं वो है सोयाबीन और उसके products, यानी टोफू, सोया मिल्क, सोया नगेट्स, so we should avoid that. फिर cruciferous family के vegetables, यानी कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये चीज़ें हम नहीं हैं, इसके उसके सिवाय भी केल है, स्पिनिच है, दे हैव टू बी अवॉइडेड। फिर ऑल सारे नट्स खा सकते हैं बट पीनट्स नहीं खा सकते हैं हम। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव सीन दैट रिफाइंड फूड्स, यानी बर्गर्स, पिज्जाज, वो आपको रिफाइंड फूड्स को, मैदा के प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से हटाना होगा ताकि आपका ग्लैंड जो है वो बेटर काम कर सके। अब ये ग्लैंड कम काम जो कर रहा है, ये इसके दो रीजंस होते हैं। एक तो ये आयोडीन से लिंक्ड होता है, जैसे कि हिमालयस के जो रीजंस होते थे वहाँ पर आयोडीन की कमी होती थी सॉइल में, तो वो जो उनके प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स होते थे जो ज़मीन से पैदा होती थी उसमें आयोडीन कम होती थी, तो लोगों को इसको गॉइटर कहते थे, यहाँ से बढ़ जाता था ये। तो ये एक तो आयोडीन की कमी से हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारा ये थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है। तो हम कौन से ऐसे फूड्स ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में इसकी अंडर एक्टिविटी को बेटर करने के लिए, तो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को बेटर करते हैं, जैसे कि सेलेनियम। ये इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अब ये सेलेनियम किन किन फूड्स में पाया जाता है? सेलेनियम जो है वो नट्स में पाया जाता है, स्पेशली ब्राज़ील नट्स में, सीड्स में पाया जाता है, फिर ये सी वीड में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है और एग्स में होता है, तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। फिर जो चीज़ हमने जो थायराइड है वो जिंक की मात्रा हमारे फूड्स में अगर ज़्यादा होती है तो उससे इसकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो जिंक जिन जैसे सीड्स एंड नट्स हैं वो आप अपने फूड्स में इंक्लूड करें, होल एग्स हैं। आफ्टर दैट आयोडीन, जैसे आयोडीन की कमी से हो रहा है अगर आपको थायराइड, तो आपको आयोडीन रिच फूड खाना है। एक तो हमारे यहाँ आयोडाइज सॉल्ट मिलता है, तो आप आयोडाइज सॉल्ट भी इस्तेमाल करें। फिर डेयरी और उसके प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है, स्पेशली दही में, छाछ में, तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दूसरी बात जो देखी गई है, अगर हम ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, यानी वीट और बार्ले, राई, इन चीज़ों को अपनी डाइट से हटा के उसकी जगह हम राइस लेते हैं, किनवा लेते हैं, कुट्टू का आटा, रागी, तो ये चीज़ें से हमारा जो
थायराइड एक्टिविटी है थायराइड ग्लैंड की वो बेटर होती है। तो फाइबर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें वो आपकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। हाइड्रेटेड रहें, 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेटाबॉलिज्म को कम करता है, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को एक्सरसाइज से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर नॉर्मल लोगों को 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज की जाती है, तो जिन लोगों को थायराइड है उनको मॉडरेट टू मीडियम एक्सरसाइज जो है वो 60 मिनट्स तक करनी चाहिए, चाहे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, कोई भी कार्डियक एक्टिविटी है, तो उससे उनकी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा। और आपका अगर वेट इंक्रीज हो रखा है थायराइड हार्मोन हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, तो वो आपका वेट लॉस होने में मदद मिलेगी। तो आई होप ये जो टिप्स थी ये आपको यूजफुल रहेंगी और आप इनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।